He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow and nobody can deny. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow and nobody can deny. Hooray! Hip! Hooray! Hooray! ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ आरसीसी सॉल्यूशन में सबसे बुद्धिमान और सम्माननीय सीनियर सर्विस मैनेजर श्री देसाई के विदाई समारोह में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप में से कुछ लोगों को अपने अनुभवों को बांटने के लिए बुलाऊंगा। सर, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा, यदि आप बुरा ना माने तो मैंने एक छोटा सा संदेश तैयार किया। जरूर। श्री देसाई ने कई सालों तक हमारे उद्योग में सफलता हासिल की है। वह बहुत ही परिश्रमी हैं और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सकारात्मक रवैये के द्वारा हमारी संस्थान को महान योगदान दिया है। श्री देसाई हमारे संस्थान के विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अपनी सूक्ष्म नजर और कंप्यूटर जैसे दिमाग के कारण उन्होंने रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स से संबंधित कई जटिल समस्याएं सुलझाई हैं। वह हमारे टेक्नीशियनों के एक महान गुरु हैं। समस्याओं का समाधान करने की उनकी अनोखी योग्यता ने उनको एक विशेष व्यक्ति बनाया। उनके बेटे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। उनके मार्गदर्शन से कंपनी ने तरक्की की है। मैं उनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। आपके प्रशंसनीय शब्दों के लिए मैं श्री यादव को और आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं सच में सम्मानित महसूस करता हूं। आप सबके साथ काम करके मुझे खुशी हुई, खासकर नटराज इलेक्ट्रॉनिक्स के संरक्षण में। आप सभी के प्रयत्नों से हमारा उद्योग काफी बढ़ गया है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मैं हमारे सुपरवाइजर मिस्टर व्यास का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और इतने साल से आरएसी सॉल्यूशंस को भी। और आज मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब ने मुझे सहयोग दिया और आधार भी। डैड, बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टी थी। मुझे आपके कामयाबी पर गर्व है और खुशी भी। आपके सहयोगियों के अनुभव सुनके हम बहुत उत्साहित हुए। वो हम लोगों के लिए एक अभिमान का क्षण था। हरीश यादव सज्जन ने क्या कहा था, डैड एक सफल व्यक्ति है केवल इसलिए नहीं कि वो अपना काम अच्छे से जानते हैं, बल्कि वो अनुशासित भी है। लगता है ये सफलता का एक मंत्र है, कार्य कुशलता और जीवन में अनुशासित रहना, है ना डैड? तुमने सही कहा हरीश। दोस्तों, अगर आप भी मेरे बेटों की तरह रेफ्रिजरेटर या एसी उद्योग के साथ जोड़ना चाहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि आरएसी उद्योग, आप प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको इस उद्योग के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। चलिए मैं आपको इस उद्योग के बारे में सब कुछ बताता हूँ। इस मॉड्यूल के समाप्त होने पर आप ये कर सकेंगे, पहले जान लीजिए कि आरएसी क्या है।